ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत भारत में SCC बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज डोभाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 18,100 करोड़ रुपए की लागत से ACC बैटरी की जो उत्पादन की 50 गीगावाट की क्षमता है वो प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से परिवहन क्षेत्र में बिजली आधारित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने कहा कि भारत में अब बैटरी स्टोरेज के इक्विपमेंट्स का आयात इतना ज्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा। इस योजना से आत्मनिर्भर भारत को भी आगे आने वाले समय में प्रोत्साहन मिलेगा। तो पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि PLI में बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो सरकार का ये निर्णय है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इस निर्णय के बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दें आप। पिछले कुछ महीनों से हम एक आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की जिस तरीके से हम बनाएंगे उसी हिसाब से जैसे कंपनियां इन्वेस्ट करती है और इंडिया में प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर सरकार कंपनी को लाभ देगा, एक छूट देगा कि भाई आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग देखें बनस्पत की, आप बाहर से इम्पोर्ट करें। और इसके लिए गवर्नमेंट काफी सेक्टर में स्कीम लेकर आई है। हमने देखा है मोबाइल फोन्स में लेकर आई है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में लेकर आई है, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए लेकर आई है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए लेकर आई है। और उसी श्रृंखला के तहत अब हमारी बातचीत जो इस बार गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है वो ये बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग से निकाली है। और ये स्कीम है, अगेन ये बहुत एम्बिशियस स्कीम है क्योंकि अभी जो हम इंडिया में क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि भारत में पोल्यूशन बहुत है और हम चाहते हैं कि एक तो हम अपनी एनवायरमेंट को क्लीन रखें, तो इसलिए क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं कि विंड एनर्जी से हो गया या और एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं उसकी स्टोरेज की बात करते हैं। तो इसके लिए भारत चाहता है कि अब हम बैटरी सेल्स स्टोरेज के लिए और जो इन व्हीकल सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको बनाने के जो बैटरीज हैं उनमें यूज होने के लिए हम ये सब बैटरी सेल्स इंडिया में ही बनाए राधर देन हम इसको बाहर से इंपोर्ट करें। ज्यादातर इसके इंपोर्ट चाइना से आते थे, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो इंसेंटिव जो हम ऑफर कर रहे हैं इस इंसेंटिव में बिल्ट इन है स्कीम के अंदर ऐसा कि भाई जिसको भी ये इंसेंटिव चाहिए उसको धीरे धीरे करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लोकल हमें वैल्यूएशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 18,000 करोड़ की स्कीम दी है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही करेंगे उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा और उस इंसेंटिव से गवर्नमेंट को लगता है कि ग्रेजुअली हम अपने देश के जरूरतें भी पूरे करेंगे और यहाँ से बाहर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि चाइना करता है, इस तरीके से इंडिया एक ऑल्टरनेट हब बन सके। बिल्कुल, और सरकार का आकलन है कि भारत में आने वाले समय में निवेश इस क्षेत्र में बहुत बढ़ेगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सीधा 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कंपनियां आगे आएंगी और हम अपने देश में ही इस तरह से बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। तो आप किस तरह से आर्थिक दृष्टि से एक होता हुआ लाभ इसे देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, इस चीज की बहुत समय से इसकी जरूरत महसूस करी जा रही थी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है, यहाँ पे मार्केट इतनी डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल आज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट की बात करें, बातचीत बहुत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, पर अगर आप असली आंकड़े देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इतने पॉपुलर नहीं है। मतलब अगर आप कारों में देखें, अगर भारत ने पिछले साल लगभग 27-28 लाख गाड़ियां बेची थी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ चंद हजारों में थी, 10,000 भी नहीं क्रॉस करा, 3-4 हजार गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी थी। और अगर आप टू व्हीलर की बात करें उधर भी इसी टाइप के आपको आंकड़े मिलेंगे। तो आंकड़े अभी बहुत कम है, रिन्यूएबल एनर्जी भी हम जनरेट कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा ऐसी कैपेसिटीज नहीं है। तो इसलिए कंपनियों को प्रोत्साहन देना कि आप बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग करें जबकि एक मार्केट उनके लिए अभी है भी नहीं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंसेंटिव इसमें देने ही चाहिए जिससे कि कंपनियों को प्रोत्साहन मिले कि हाँ आगे हमें मार्केट दिखती है, अभी मार्केट छोटी है लेकिन आगे जाके हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट बढ़ेगी। और दूसरा, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है, हमें कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं जैसे PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, तो इससे कंपनीज को भी एक इंकरेजमेंट मिलती है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपना एक बिजनेस रिस्क लें। जैसे मेरी बातचीत काफी टाइम से होती रही है कई कंपनीज है, जैसे कि पैनासोनिक है जो कि मशहूर ऑटो कंपनी टेस्ला के लिए अमेरिका में गीगा फैक्ट्री लगा रखी है पैनासोनिक ने, रेनो करके एक जगह है यूएस में, तो वहां पर उन्होंने लगा रखी। तो हम पैनासोनिक से कई बार पूछते थे कि आप यहाँ पर कब इस टाइप की कोई फैक्ट्री लगाएंगे और उनका हमेशा जवाब होता था कि हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं। अब इस टाइप के इंसेंटिव अगर आते हैं तो ऑब्वियसली कंपनीज लाइक
पैनासोनिक काफी इंकरेजमेंट लेगा। जैसे ह्यूंडई कार कंपनी है, ह्यूंडई ने बोला है कि हम बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। कंपनीज की बात करूँ, कार कंपनी की एनजी मोटर ने बोला है वो देख रहे हैं। मारुति भी इन टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है, तोशिबा की टेक कंपनी वो भी काम कर रही है, भारत की कंपनी टाटा भी इस दिशा में काम कर रही है। तो आई थिंक जब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का प्रोत्साहन मिलेगा और छूट मिलेगी कंपनीज को कि भाई उनको थोड़ी इंसेंटिव मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पे, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है सरकार का। निश्चित तौर पर उद्योगों को तो इससे बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन सरकार का ये भी आकलन है कि जो बैटरी बनाने को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा और जो नई युवा पीढ़ी है वो इस ओर अपना एक तरह से कहें कि करियर भी देख सकती है और जो नई बैटरी प्रौद्योगिकी है, नई तकनीकी है, उसको डेवलप करने में भी शायद आगे भारत एक अपनी विश्व में भूमिका निभा पाएगा। तो इस दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय है? 100% मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, बैटरी टेक्नोलॉजीज है, ये सारी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक टेक्नोलॉजी बना दी और दशकों तक यही टेक्नोलॉजी चली। इसमें बहुत एडवांसमेंट आ रही है। यहाँ पर भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी का कहीं पर भी एक हब बनता है। अगर हम इंडिया को एक हब बनाना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो बहुत स्वाभाविक है कि इस हब के साथ इसकी साथ की R&D, इसके साथ की मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो उसके साथ सारी अलाइड एक्टिविटीज आती है, इसके कंपोनेंट वाले आएंगे और लोग आएंगे, तो ये सारे भारत में आएंगे, तो R&D भी आएगी। और क्योंकि जब इतने बड़ी मात्रा में जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निश्चित तौर से इसके लिए जॉब्स भी आएंगी और हमारे यूथ के लिए ये ऑब्वियसली एक नया एक ऑल्टरनेट करियर बनता है। आपने अभी जिक्र किया कि पेट्रोल डीजल की मांग हम कम कर सकते हैं अगर बैटरी की क्षमता बढ़ती है, और हम अगर आंकड़े देखें तो पेट्रोल डीजल पर खर्च होता है हमारा लाखों करोड़ रुपए आयात में, तो अगर हम बैटरी उत्पादन की क्षमता अपने देश में बढ़ा लेते हैं, बैटरी से हम ऊर्जा हमारे देश को मिल जाती है, एक तरफ तो हम आयात कम कर पाएंगे, दूसरी तरफ हम अपने देश में बैटरी से ऊर्जा की मांग को पूरा कर पाएंगे, जिसका परिवहन क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो भविष्य को आप इस दृष्टि से कैसे देखते हैं? बहुत उज्जवल भविष्य है रियल सेंस। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट होती है जो की प्राइसिंग में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है बैटरी का होता है। अगर हम बैटरी सेल यहाँ बना रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि वो बैटरी सस्ती बने, तो कॉस्टिंग थोड़ी व्हीकल्स हमारे अफोर्डेबल बने जिससे कि आम जनता उनको खरीद पाए लार्ज नंबर्स में, तो सबसे पहली चीज तो वही है। और दूसरा ये है कि जहां तक रही बात पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ रनिंग अ व्हीकल इलेक्ट्रिक अगर हम यूज करते हैं तो पर किलोमीटर कॉस्ट हमारी कई आंकड़ों के हिसाब से कई जो एस्टिमेट्स हैं 1/10 हो जाती है। तो इतनी कम अगर लोगों को ऑब्वियसली अगर हमारे पेट्रोल डीजल हमारा धीरे धीरे करके जब लोग इलेक्ट्रिक खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल की हमारी जो निर्भरता हमारी कम होती जाएगी और हमें उतना ही कम इम्पोर्ट करना है। तो मैं सरकारी आंकड़े देख रहा था, एक्सपेक्टेशन जो है इंडिया में 2 से 2.5 लाख करोड़ के करीब हम ऑयल अपना बिल कम कर सकते हैं अगर इस टाइप की स्कीम्स हमारी सक्सेसफुल होती है जिससे कि हमारी बैटरी सेल यहाँ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बिक रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज अच्छे से हो रही है, तो भारत को बहुत सेविंग भी होगी, एक अपनी आत्मनिर्भरता भी साथ में आएगी और नई टेक्नोलॉजी की R&D और जॉब्स भी यहाँ पर आएंगे। भारत का लक्ष्य है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन कम करना है, विश्व के कई देशों ने जो लक्ष्य तय किया है उसमें भारत ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, सोलर अलायंस बनाया है, लेकिन अगर ऐसे निर्णय सरकार द्वारा ऐसे समय में लिए जाते हैं जबकि हम पर्यावरण को लेकर बहुत बात कर रहे हैं, अगर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि बैटरी सेल यहां बने और इससे हम ईंधन पर जिससे कि प्रदूषण होता है, वायु को नुकसान होता है, उस पर हम निर्भरता कम कर लें, तो पर्यावरण की दृष्टि से हम विश्व में अपनी कैसी छवि छोड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये सब जो स्टेप्स हैं हमें जरूरत है, हम इस टाइप के कदम और ज्यादा होता है, मतलब एक बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग उनमें एक अहम डिसीजन है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, मतलब दिस इज जस्ट 1 पार्ट ऑफ द एंटायर गैमेट ऑफ थिंग्स जो हम करना चाह रहे हैं, पर ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये डिसीजन है क्योंकि ये भी बहुत सारे चीजों को टैकल करता है। एक तो जितनी हम क्लीन एनर्जी बना रहे हैं उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरा ये है कि क्योंकि जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है, जो कहते हैं प्रदूषण जो हमारी कारें करती है, हमारे 2 व्हीलर्स करते हैं, उसको ये हैंडल करता है और एक हमारी कमिटमेंट दिखाता है कि हमारी कमिटमेंट है ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की और पॉल्यूशन को टैकल करने की। तो आई थिंक डायरेक्शन बहुत अच्छा दिखाता है, हमें और भी चीजों में इसी तरीके के हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट ये अपने आप में हमारी सीरियसनेस दिखाता है और हमारी एक कमिटमेंट दिखाता है कि इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है और इन मामलों में हम बढ़त चाहते हैं, आगे लीडरशिप चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, रिसर्च। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत भारत में SCC बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज डोभाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता
पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।